सो गाइज पैकिंग अब शुरू। पैकिंग देख के अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बोलने का। अब तो यहाँ का दाना पानी ख़त्म हो गया है, अब सब कुछ ठीक कर लेते हैं और चलते हैं अपने देश को। चिड़िया उड़ने वाली है यहाँ से। बट ये बहुत इमोशनल मोमेंट था, मतलब जितनी बार मैंने वीडियो एडिटिंग की है मैंने रख दिया है, मुझे इतना मैं वीडियो एडिटिंग करते टाइम भी बहुत ज़्यादा रोई हूँ देख के। शायद आप लोगों को भी आ रहा है ना। ये आपको पता है कौन सा कुर्ता है? दिखाओ इसमें। ये कुर्ता ना पूजा मामी के घर से आया था आपके लिए होली पे। आपने पहना नहीं ना, बाद में पहन लेना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड इस ब्लॉग की शुरुआत, ब्लॉग बोलने वाली थी, ब्लॉग की शुरुआत इससे करते हैं ठीक। बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना दुख दर्द तकलीफ। मतलब इस तकलीफ को वही इंसान समझ सकता है जिसको ये तकलीफ हुई हो। अब आप लोग सोच रहे हो ना किस तकलीफ की बात कर रही हूँ। इसमें नहीं डालेंगे बेटा, ये देखिए इनको। अपना अनु आ गए थे अपना जूता चप्पल लेके, जब आए तब आप लोगों ने देखा था एक थैले में अलग भर के घूम रहे थे। ये आज भी इसमें क्रॉक्स है उनका, वो मैंने बोला यहीं छोड़ दो, वो भी लाके इसी में रख दिए, पुराना हो गया है तो ठीक है। और कुछ खास हमारी शॉपिंग नहीं हो पाई, बट कोई नहीं। हाँ, मैं दुख तकलीफ की आपकी बात कर रही थी, तो इस तकलीफ को आप देखिए। आप लोग बोलते हैं ना ट्रैक से उतर जाते हो तब ऐसे बच्चा होगा तो क्या होगा, तो मैं उस तकलीफ को आपको बता रही थी कि ये तकलीफ जिसके हिस्से में आया हो वही समझ सकता है। देखिए मुझे कितना परेशान कर रहा है, जब भी मैं आप लोगों से बात करूँ बीच में आ जा रहा है, फिर आप लोग मुझे कहते हो कि मैं भूल जाती हूँ, तो भूलूंगी नहीं। देखो वो तकलीफ ये सबसे पहले ख़त्म करती तो बात करती। ये देखो, अब देखो ये मेरे साथ क्या हुआ अभी एकदम से। ये देखो, ये दिखा, ये नेल जो है ये थोड़ा सा और यहाँ से उखड़ता। अभी पीछे से दिखाती, ये जो नेल्स है अगर थोड़ा सा, ये देखो ये निकलेगा, इतना बड़ा हुआ था। मुझे पता है ये कट करना चाहिए, यहाँ से मैं कट करूँगी, तो ये अगर यहाँ से उखड़ता तो थोड़ा सा और तो बिल्कुल प्राण ही निकाल देता। मतलब ये देखो आप लोग क्या हुआ पड़ा है। अच्छा याद आया, मैं नेल पॉलिश लगा लूँगी अभी। इतने अच्छे नेल्स हुए थे और ये पीले पीले ने, वो गई थी ना लगवाने मेहंदी, नालायक ने इस पर से ही लगा दिया कि नेल पॉलिश से नहीं होगा नहीं होगा। तो ये जब यहाँ से थोड़ा सा उखड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो क्या लेके आई ये, क्या है ये, किस खुशी में? मखाने खा ले तेरे व्रत की खुशी में। मखाना खा लूँ, ठीक है मैं खा लेती हूँ। बड़े से थैले में मैंने ये करनामे कर रखे थे, जैसे बॉक्स टाइप के जो भी था ना ये सब कुछ। बाबू का ये दोनों टोपी, शादी वाली जैकेट वैकेट सभी जो बॉक्स में से दिख रहा है ये सारा मैंने इसमें भर रखा था। इसमें से देखती हूँ क्या रखना है क्या निकालना है, फिर उस हिसाब से फिर और भी सामान इसमें डाल लूँगी। और धनुष ये निशानी लेके जा रहे हैं अपने नानू के घर। पूरा दीवार और दिखाती हूँ, वो देखो दिखा ये तो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, और दिखाती हूँ। मिल गया, हो गया आपके करना में शुरू। इसको रख दो, ये मम्मा रखेंगी ठीक है। हाँ खोल के नहीं रखना, वो पैकेट में ही रहेगा ठीक है, उसी में रहने दो। ये दिखा रही हूँ मैं सबको, देखो ये आपने क्या किया है, ये क्या बनाया आपने, पूरा दीवार खराब कर दिया चारों तरफ का। ये देखो ऊपर तक पूरा, किसने किया फिर? ये नहीं खुलेगा बट इसको रहने दो ठीक है। और ये है मम्मी का ब्लाउज जो यहाँ पे सिलने के लिए आया हुआ है, आया हुआ नहीं आया हुआ था, सिल गया है, सिल चुका है।
ये अब सिल चुका है, इसमें दो एक नाप है और दो ब्लाउज सिल चुका है, ये दोनों सिल गया है, ये नाप है। आज लास्ट टाइम मेरा किचन देख लीजिए, मायके का किचन। आरती यहाँ देखो क्या बना रही है, गेस करो। बताने से पहले आप लोग कमेंट करो क्या बना रही है। अब तो दिख गया, अब दिख गया, अब तो आप लोग बता दोगे। हाँ बेटा देख रहे हो, आप लोग कहते हैं बात भूलती बार बार, मैं यही बात कर रही हूँ। जब भी मैं जा रही हूँ कुछ भी करने, सीधे पहुंच जा रहा है, मम्मा इधर आओ, मम्मा इधर आओ। अब थैला ले लिया, इसमें सारे अपने टॉयज उसको ढूंढ रहा है। तो आरती क्या बना रही है, साबूदाना खिचड़ी, खीर। खीर है, तेरा मुंह क्यों फुला हुआ है? मायके एक किराए का घर है, सब खाली कर, तू सब खाली कर। मायके एक किराए का घर है, लेकिन बदलना थोड़ी ना होता है, बस खाली करना होता है। तो मैंने कहाँ कहाँ बदला? हाँ मैं गाने वाली थी, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके क्या बेटा? पापा तो आएंगे। तेज तेज बोल रहे थे, कैसे आ गए इतनी जल्दी? कैसे आ गए, जाम ही नहीं मिला है। मुझे भी कहते 5 बजे आएंगे। अरे छोटा कैमरा कैसे हो गया? अच्छा फादर ने बर्तन में पास में नहीं, बाबू लेगा बस। अरे प्याज कल से बिकेंगे भाई, आज नहीं बिकेगा। प्याज कल से बिकेगा। क्या भाव है? 50 ढाई किलो। आप बस आइसक्रीम खाते रहते हो? दो इधर खुलवा लो। साचो को बोल रहा, झूठो को थोड़ी बोला, आइसक्रीम देखे आ रहा हूँ। कुछ लगा है लगा दूंगी। ये तरीका है, आइडिया। ये आ गए हैं, आपका तो फास्ट होगा ना? यस मेरा फास्ट है। ओके तो कुछ नहीं खाओगे तब तो आसानी है इन लोगों को। सही है, चाय पी लेंगे। चाय पी लेंगे, थक गया यार, बहुत गर्मी है बाहर, धनुओं को अंदर बुला लो। ठीक है अपना स्पेशल। बिना उसके क्या होता है? क्या मतलब एप्पल का नहीं, उसके अलावा कौन सा सबसे अच्छा फोन होता है जो कैमरे के लिए अच्छा है? ओप्पो। ओप्पो मैंने तो यही सुना है। ठीक है ओप्पो ही खरीद के दियो मुझे। वीवो का अच्छा है। हाँ ओप्पो ही खरीद के दियो। मतलब मैं तुझे किस खुशी में दूंगी फोन? गाइस देख रहे हो तेरे पहले पूछ ली कौन सा फोन अच्छा होता है, अब कह रही है मुझे ओप्पो खरीद के। मतलब मैं किस खुशी में दूंगी तुम्हें फोन? तेरे को बैठा के एक महीने मायके में खाना कौन खिलाया? तू उसका तो किराया लेगी। प्यार के बदले प्यार ले रही, किराया ले रही हूं। बदनाम कर रही है। देख बहन मैं तेरे प्यार को बहुत अच्छे समझ रही हूँ, तूने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत दिनों तक बिठा बिठा के खिलाया है। ठीक है डरा दिया। इसने भी हाथ में दे दे के मुझे खिलाया है पिलाया है, लेकिन मैं नहीं दबा रही है। कैसा करती है मैं? अच्छा हाँ आराम से दर्द हो रहा है। कौन सा रोल निकल गया इसका? आपके पिंपल को डिंपल हो गया है। तो प्यार के बदले प्यार में तुझे दे दूंगी, ठीक है? मैं भी तुझे खाना खिला दूंगी कभी। नहीं मेरे को खाना नहीं चाहिए। ये सही है, मेरे को खाना नहीं चाहिए। सही है, जो भी है मेरी तरह सेम टू सेम खाना खिला सकती है क्या? नहीं कभी नहीं खिला सकती। वो तो कोई नहीं खिला सकता। नहीं ये गलत बात है। नहीं दीदी बोलो। हाँ कभी नहीं खिला सकती। चलो हाँ बोल दो। हाँ बोलो। ठीक है खिलाना ही है ना? बनाना आप दीदी खिलाई। फोन का चूना नहीं लगा सकती। ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐसे
मत कर अन्याय। अच्छा ये चिप्स काट के ताजा, अभी अभी ताजा ताजा, ये इंस्टेंट चिप्स है ना। हाँ। अभी अभी काटी और अभी अभी तल रही है वैसे बिना नमक वाला व्रत के लिए खाने के लिए। हाँ। चल खा के बताती हूँ कैसा बना है, ठीक है। अब मैं जब सर्व करूंगी जब ठीक है, ठीक है। चाय वाय सब लेके आओ। माने नहीं ना गाइस, देखो ये मुझे जबरदस्ती लेने आए हैं। अगर नहीं गई ना तो घसीट के ले जाऊंगा मैं यहाँ से। कुछ भी देख लो भाई, बोलो। मैं तो सिर्फ ये खाने आया हूँ, खा के चले जाऊंगा। खा के चले जाओगे? चाय भी तो पीनी है। चाय पी के चले जाओगे? मूंगफली भी तो खानी है। मूंगफली भी तो खानी है। अच्छा वो खा के चले जाओगे? खीर भी तो है। हाँ जी के सब खत्म हो गया। अब बार बार हमको वो नहीं करेंगे, हम बताते नहीं कि इतना कुछ मिला। हम थक गए अब सवालों के जवाब देते देते। गाइस क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। काहे नहीं जाऊंगी? पहला एक्सपीरियंस पता चल गया हम जो कर रहे थे अब, ठीक है। काहे नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा अभी जाने का, ठीक है। बाय गाइस, मैं नहीं जा रही। मुझे मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरा डिमांड है वो पूरा करो फिर मैं जाऊंगी। आपको फिर से बारात लेके आना होगा, ठीक है। जब हमारी शादी से सब घोड़े हाथी सब लेके आए थे ना, निकला था घर से, ऐसे नजर क्या चुरा रहे हो? किसी से झूठ बोल रही हूँ मैं? आपका रिएक्शन ऐसा होता है ना कि सच भी झूठ लग जाए लोगों को। तो घोड़े हाथी अब तो हाथी दिल्ली में मिलते ही नहीं है। वो तो सोच में पड़ रहे हैं ना कहाँ से बुक करूंगा, तुझे अलग लग रहा है। हाँ डोली भी नहीं कर पाओगे तो सिर्फ गाड़ी में ले जाओ ना, पर बारात लेके आओ। थोड़ा दूल्हा की तरह बन के आओ, मैं थोड़ा दुल्हन की तरह बनूंगी फिर चलेंगे, ठीक है। तब चले जाएंगे, बात कर लेंगे करके दिखा दूंगा जीजू। सामान तो खरीद के आए गए। ये दाढ़ी की नहीं बनाई आपने? नवरात्र में कहाँ बनाते हैं यार। कौन है बताओ? कौन है? ये मुझे यहाँ पे पूजा एक नोज रिंग पहना रही है, मतलब उसकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट था कि भी आप ये रख लो, आप में अच्छा लगेगा इसे पहन के चले जाओ। सो आप लोग बताना कि ये मेरे फेस पे कैसा लग रहा है नोज रिंग। इसको उसमें डाल दो। देखो जीजू मखूनी ऐसे गोली मारे बस में ही थी। बहुत हंस रही है गाली। अच्छा अब हंसे निकल भी नहीं रहा निकालने पर। अब मौज करो
कहाँ चले, वहीं पे जाके रहना है। काहे जल्दी साल भर वहाँ रहेंगे ना, तो जल्दी कोई नहीं कहेगा जाओ। या दो महीना रहेंगे ना, जल्दी आओ। ये लोग कितना प्यार करते हैं घर वाले। कौन जल्दी आ सकता, आप या मम्मी पापा? ज्यादा तो मम्मी पापा। आप नहीं? मैंने कहा यार इतने साल में तो भाई आराम से दो चार छह महीने रहती है, लेकिन बाबू का फिर स्कूल भी तो खुल गया। मौसी देखो, देखो कैसी लग रही है, मस्त लग रही है ना मौसी? सेल्फी खींच ली। ये कैसे लपेट ली हो मम्मी, खोलो। बहुत दिन से छूट गया है दुपट्टा की मम्मी। वो मैं बोल से लगाने के लिए ना, फिर बोलोगे आप इसे नहीं लगा दो भाभी। ब्लाउज बहुत अच्छा सिले मुझसे, मतलब मुझे ये बिल्कुल ऐसे टाइट भी नहीं हो रहा और ढीला ढक्कन वैसे नहीं फिटिंग भी सही है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रख के तो नहीं तो आप मेरा नाप सिल देखो, बिना लगे मेरा नाप सिल है तो मैं थोड़ा पतली हो गई, कम हो गया। उतारना हम नसीब है ना, तो कि मैं तो रख लूंगी डंडे से, हम अपना मन से एक रख सिले बने कर बिलाव दिले दिले बता। अच्छा अपना मन से ए ये तो हुई है, गांव में डिजाइन नहीं करते वैसे, पूरा डिजाइन बना देना। तिल्ली लाऊ अभी, लाती हूँ माचिस की तिल्ली, अभी माचिस का तिल्ली सही पूरा फूल गढ़ देवे एक बार। बेकार बेकार मौसी वो बातें, मतलब मुझे उस ब्लाउज को हाँ टेलर को देने को जा आता ना, घुस घुस के लगाओ तो सारे फोर ले लो। यार मजा देखी तो, अरे तो फूटो थोड़ी हो, एकदम मल्दी तेरे का तो लेके चोट लगा, फूटो थोड़ी हो, फूटी तो भी चोट लगी बहुत। अब देखी देख इधर बोलना, अबे छोड़ लगनी तो रोने लग जाएगी। हां यहां से यहां से दोस्तों को रो तो नहीं पूजा ना लगता बिल्कुल। लड़की अभी कितना गढ़ा गया है फूल, पूरा सात रंगा फूल पूरा यहाँ तक भर देना इसको। सारा ही डिजाइन मेरे पैर पे बन जाएगा, चप्पल बना देंगे। दीदी चप्पल पहन के नहीं जाना ठीक है, हम चप्पल पहना दे रहे हैं। ये देखो चप्पल है, महंगा चप्पल वाला दूर तक अलग अलग करी है ना, तो एक जगह फैल देखो ये पूरा एकदम डिजाइन है, बन जाता है कोस्ट अलग अलग ठीक करते हैं। तब एक ही ओरी करिए, दूसरा कोरी मत, नहीं है गो बॉस, नहीं एक ही बनता है ये। हां तो कम से कम इधर वो तो कर देना ऐसे करके, ये कोरी बड़ी कोरी जैसे पीता टूट गया। हां तो इधर जैसे बना देना है ऐसे वाला, पीता टूट गया पीता टूट गया ना, क्या लो मैंने बोला था ना मौसी की ऐसे ही बोलेगा कि मेरे खिलौने में क्या रख दिया। आज आपने क्या ड्रेस पहनी है, सब पहन लिया आज ही, वो कट स्लीव है ना तो आए तो अपना ये जगह पहन ली। तो एक ही पैर में पहन दे चप्पल अब तुम पातर पातर। ए पूजा 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 रुक ना है, अंगूठा अंगूठा पे पातर पातर लग होती है, ये कहां से बना था डिजाइन मेरा, तो बनाओ अब मैं बनाओ लग रहा है ना। देख निक्की तो कहा देख रहा है मैं, इसमें दिखा रहा था ब्लॉग में।
कुछ हो ही नहीं। आज गाइज आप लोगों ने भी फील किया होगा ये विदाई देख के, जैसे फर्स्ट टाइम किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई होती है बिल्कुल वैसे ही। मुझे लगता है कि सर मैं बहुत दिनों तक रह गई थी इसलिए मेरे घर वाले भी इतने इमोशनल हुए, मैं भी इसलिए इतना रोई और पूरे रास्ते रोते हुए गई हूँ, इसलिए रास्ते का कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, डायरेक्ट घर पहुँच गई हूँ। थोड़ा सा खा लो बाबू, गाइज एक जगह के लोग दुखी हुए तो दूसरी जगह के लोग इतने खुश हो गए, एक अकेले इंसान क्या क्या कर सकता है, मतलब यही है दुनिया के रीत, कहीं खुशी कहीं गम वाला। सो गाइज आप में से बहुत सारे लोग खुश हो गए मुझे देख के, बट बहुत सारे लोग इमोशनल भी होंगे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।